दरियागंज के इसी दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिस में एक मुलाजिम जिसकी पोस्ट जोनल ऑफिसर की यानी जेडो की है, 25,000 रुपए रिश्वत के इलीगल कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लेता हुआ रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो में। 3 मिनट 45 सेकंड की इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और किस तरह से वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए 25,000 रुपए वसूल कर रहा है। एक नजर जरा वीडियो पर। ये हैं जी पूरे 25,000। ये रहा, बस यार जरा जमुना पे ही जा रहा था, ड्यूटी उधर ही लगी आज। हाँ तो अब बात भाई कब से स्टार्ट हो जाएगा काम? काम तो मंडे से 1 बजे स्टार्ट ही करते हैं। आप फाइल आ जाए ना वहाँ से। किस दिन बताओगे? ऐसा है, फाइल जो पिछले वाले हमने बार में नाम दिया था वो ठीक है, 25 है ना पूरे। पिछली बार जो दिए थे ना हमने अखबार में, उसकी उसकी फाइनल होके नहीं आया अभी। बहुत कमजोर आदमी है, उसको डाउट हो रहा था। अरे तुम मेरे साले से मुलाकात करा भूतने वाले, उसने बगैर परमिशन के बनाया। मैंने कह रही है तुम्हारे काम ने, मैंने आपने कैसे बनाया? ऐसा है, जिस काम की जबान दे दी हमने वो काम। ना, वो तो आपकी आपकी बात खराब नहीं हो रही। हाँ तो ये है ना, आप मुझे 5-7 दिन में बता दोगे ना, तो ये वो अगले हफ्ते में बता दोगे ना, तो आप मुझे अगले हफ्ते में बता दो। ऐसा है ना, क्योंकि देखो भाई का तो काम चल ही रहा था, अब उनके भी पैसे, उनके भी पैसे अटके हुए। तो जरा सही है, किराया से क्या मतलब है उसको? एक अलग मैटर है किराया। नहीं नहीं, वो सब उसी में कांटेक्ट दे दिया था ना हमने। नहीं ये तो गलत किया आपने, उसका किरायेदारी का मैटर अलग है। नहीं किरायेदारी अलग है, इससे कोई लेना नहीं हमारे को। मतलब ये है कि उन्होंने कह दिया भाई हमारा करा देगा, तुम्हारा कोई बात नहीं, उसके तो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसका मैटर अलग है, वो ज्यादा अपने आप को सियाने समझ रहे हैं। हर आदमी बहुत ज्यादा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली हो कह रहे हैं। तो आप मुझे ना अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते बता दूँ ठीक है ना? तो भाई साहब अब तो कोई वो नहीं है ना लोचा, वो तो नहीं मट गया, मैंने बताया था ना उसमें, वो तो नहीं मट गया। तो आप मुझे अगले हफ्ते में एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा कि किस तरीके से 1 मिनट 45 सेकंड के आसपास इसकी एंट्री होती है इस शख्स की, और ये वक्फ बोर्ड के इसी दफ्तर से निकल करके जो शख्स इसकी वीडियो बना रहा है, जो इसको वीडियो में 25,000 रुपए देता हुआ कैद कर रहा है, वो ये रोड आपको नजर आएगा। इसी रोड के किनारे पर उसकी बाइक आकर के रुकती है और तभी अब्बास नाम का जो बंदा है वो 1 मिनट 45 सेकंड पर, जो वक्फ बोर्ड का जोनल ऑफिसर है, वो आता है और 2 मिनट 5 सेकंड का एग्जैक्ट वो टाइम जिसमें वो 25,000 रुपए का लिफाफा हासिल कर रहा है वो यही जगह है। एक बार दोबारा देखिए। अरे
बस यार जरा जमुना पे ही जा रहा था, ड्यूटी उधर ही लगी आज। हाँ तो अब बात भाई कब से स्टार्ट हो जाएगा काम? काम तो मंडे से स्टार्ट ही कर देना। आ जाए फाइल आ जाए ना वहाँ से। किस दिन बताओगे? ऐसा है फाइल जो पिछले वाले हमने बार में नाम दिया था वो ठीक है, 25 25 है ना पूरे पिछली बार जो दिए थे ना हमने अखबार में, उसकी उसकी फाइनल होके नहीं आया अभी। बहुत कमजोर आदमी है, उसको डाउट हो रहा था। अरे तुम मेरे साले से मुलाकात करा पूछने वाले हो, उसने बगैर परमिशन के बनाया। मैंने कह रही है तुम्हारे सामने, मैंने आपने कैसे बनाया? ऐसा है जिस काम की जबान दे दी हमने वो काम। मैंने वो तो आपकी आपकी बात खराब नहीं होने। हाँ तो ये है ना, आप मुझे 5-7 दिन में बता दोगे ना? तो ये वो अगले हफ्ते में बता दोगे ना? तो आप मुझे अगले हफ्ते में बता दो। ऐसा है ना क्योंकि देखो भाई का तो काम चल ही रहा था, अब उनके भी पैसे, उनके भी पैसे अटके हुए हैं। तो जरा सही किराएदारी से क्या मतलब है? उसको एक अलग मैटर है किराएदारी? नहीं वो सब उसी में कांटेक्ट दे दिया था ना हमने। ये तो गलत किया आपने, उसका किराएदारी का मैटर अलग है। नहीं किराएदारी अलग है, उससे कोई लेना नहीं हमारे को। मतलब ये है कि उन्होंने कह दिया भाई हमारा करा देगा तुम्हारा, कोई बात नहीं उसके बाद हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसका मैटर अलग है, वो ज्यादा अपने आप को सियाने समझ रहे हैं। हर आदमी बहुत ज्यादा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली हो कह रहे हैं कि तो आप मुझे ना अगले हफ्ते में अगले हफ्ते बता दूँ ठीक है ना? तो भाई साहब अब तो कोई वो नहीं है ना लोचा, अब खामोश होकर बैठ जाओगे, अपना काम निपटाओगे। वो तो नहीं मट गया मेरे बता दो ना उसमें, वो तो नहीं मट गया। तो आप मुझे अगले हफ्ते में तो इस 3 मिनट 45 सेकंड की वीडियो में आपने देखा कि 1 मिनट 45 सेकंड के वक्फे में वो आता है जिसका नाम मोहम्मद अब्बास, वीडियो बनाने वाला मोहम्मद अब्बास नाम लेता है, और बाकायदा 2 मिनट 5 सेकंड के ऊपर जो एग्जैक्ट मैं उसका मिनट काउंटर बता रहा हूँ उस वक्त में वो 25,000 रुपए की गड्डी अपनी जेब में रखता है और बाकायदा कहता है कि अब आप भूल जाइए, किसी भी बात की टेंशन मत लीजिए, फाइल आ जाने दीजिए, मैं इस काम को करवा दूंगा। वीडियो बनाने वाले ने उससे ये सवाल भी किया कि अब किसी तरीके का कोई लोचा या कोई परेशानी तो नहीं होगी? उसने कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाइए। तो यही वक्फ बोर्ड में, इसी दरियागंज के दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर में ये मोहम्मद अब्बास नाम का शख्स जो कि कैमरे में कैद हुआ 25,000 रुपए रिश्वत लेता हुआ, उसके बारे में मैं वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्ला खान उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और आप तक उनका क्या रिएक्शन हुआ इस खबर के दिखाए जाने के बाद में वो जानने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि साल 2012 में जबकि शीला की सरकार थी उस वक्त में चौधरी मतीन अहमद चेयरमैन थे दिल्ली वक्फ बोर्ड के, और उस वक्त में भी बताया जाता है कि 2012 में इसी मोहम्मद अब्बास नाम के शख्स को, इसी जोनल ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर और अब्बास के माफी मांगने पर इस तरीके से मुझे वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ने बताया कि उसको वापस दिल्ली वक्फ बोर्ड में रख लिया गया था। बहरहाल इस पूरे मसले पर मैं चौधरी मतीन अहमद से जो कि पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं उनसे और जो मौजूदा चेयरमैन है अमानतुल्ला खान उनसे, दोनों से जानने की कोशिश करूंगा कि इसका किरदार किस तरह का रहा और अगर पहले भी सस्पेंड हुआ और दोबारा रखा गया फिर उसका ये रिश्वत का टेप सामने आया, इस तरीके की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। अलावा ये भी मुझे बताया गया कि कई अलग अलग मस्जिदों के और मज़ारों के जो कुछ मामला थे उसमें भी इसी ने मोहम्मद अब्बास नाम के शख्स ने पैसा लिया। तो पूरा मामला क्या है इसको जानने के लिए अमानतुल्ला के पास जाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि अब तक इसको टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया था, आखिर वक्फ बोर्ड के और कौन से मुलाजिम हैं जो इसके साथ में मिले हुए हैं कि ये इतनी आसानी से जो पर्चे हैं फाइलें हैं उनको मुहैया करा देता है और उसके ज़रिए इजाज़त दे करके इलीगल कंस्ट्रक्शन जो औकाफ की जगहें हैं और वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं वहाँ पर इजाज़त दे देता है इलीगल कंस्ट्रक्शन की काम करने की। तो जानने की कोशिश करूंगा अमानतुल्ला खान से भी और पूर्व चेयरमैन चौधरी मतीन अहमद से भी कि अगर पहले इसका सस्पेंशन था तो अब दोबारा से अगर इसने ऐसी हरकत की तो टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ। बस यार जरा जमुना पे ही जा रहा था, ड्यूटी उधर ही लगी आज। हाँ तो अब बात भाई कब से स्टार्ट हो जाएगा काम? काम तो मंडे से स्टार्ट ही कर देना। आ जाए फाइल आ जाए ना वहाँ से। किस दिन बताओगे? ऐसा है फाइल जो पिछले वाले हमने बार में नाम दिए थे वो ठीक है, 25 है ना पूरे पिछली बार जो दिए थे ना हमने बार में, उसकी उसकी फाइनल होके नहीं आया अभी। बहुत
कमजोर आदमी है, डाउट हो रहा था। अरे तुम मेरे साले से मुलाकात करा भूतने वाले, उसने बगैर परमिशन के बनाया। मैंने कह रही है तुम्हारे काम ने, मैंने आपने कैसे बनाया? ऐसा है, जिस काम की जबान दे दी हमने वो काम, वो तो आपकी आपकी बात खराब नहीं हो रही। हाँ तो ये है ना, आप मुझे 5-7 दिन में बता दोगे ना, तो ये वो अगले हफ्ते में बता दोगे ना, तो आप मुझे अगले हफ्ते में बता दो। ऐसा है ना, क्योंकि देखो भाई का तो काम चल ही रहा था, अब उनके भी पैसे, उनके भी पैसे अटके हुए हैं, तो जरा सही है। किराया से क्या मतलब है? वो एक अलग मैटर है, किराया नहीं, नहीं, वो सब उसी में कांटेक्ट दे दिया था ना हमने। नहीं ये तो गलत किया आपने, उसका किरायेदारी का मैटर अलग है। नहीं किरायेदारी अलग है, उससे कोई लेना नहीं हमारे को, मतलब ये है कि उन्होंने कह दिया था भाई हमारा करा देगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, उसके तालुक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसका मैटर अलग है। वो दादा अपने आप को सियाने समझ रहे हैं, हर आदमी सियाना, बड़ी बिल्डिंग बना ली हो कह रहे हैं। तो आप मुझे ना अगले हफ्ते, मैं अगले हफ्ते बता दूं, ठीक है ना? तो भाई साहब अब तो कोई वो नहीं है ना लोचा, अब काम तो बैठ जाओगे, अपना काम निपटाओगे। वो तो नहीं बढ़ गया, मैंने बताया था ना उसमें, वो तो नहीं बढ़ गया, तो आप मुझे अगले हफ्ते में फोन कर लो।